बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर है एक नए रिव्यू के साथ। आज हम जिस बंदूक की रिव्यू करने जा रहे हैं वो है वोल्केनिक मेड इन तुर्की। इसके बारे में आपको मुख्तसरन बताएंगे। दोस्तों, ये दूसरे सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन की तरह बनाई गई है और ये सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल होती है। आप देख सकते हैं 22 इंच इसकी बैरल है, बैरल की लंबाई 22 इंच है और ये नीचे जो इसका पंप लगा हुआ है ये 7 शॉट है, यानी इसमें 7 कारतूस आते हैं। यहाँ पर सेफ्टी का ऑप्शन दिया गया है। जब आप बंदूक को लोड करते हैं और इसको इस तरफ लेकर आते हैं तो ये सेफ पोजीशन में आ जाता है और जो ही हम इस बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ पर ये आपको सुरख दिखाई देगा, सुरख में आ जाती है, फिर ये रेडी टू फायर हो जाता है। करतूस डालने का तरीक़ेकार दूसरे सेमी ऑटोमेटिक से इसका थोड़ा मुख्तलिफ है। ये आप देख लीजिए, जब हम इसको खाली चेंबर लोड करते हैं तो ये यहाँ पर इसका बोल्ट रुक जाता है और इस तरह इसकी सफाई सुथराई करते हुए आसानी होती है। बोल्ट रिलीज़ करने के लिए आपने इस तरफ पे दिए गए जो बटन है इसको प्रेस करना है, ये आप देख लीजिए। और यही बटन जो है ये करतूस डालने के दौरान भी आपने प्रेस करनी है। अगर आप देख ले तो इसका ये जो निचला हिस्सा है ये दूसरे सेमी ऑटोमेटिक से मुख्तलिफ है। करतूस डालने के लिए आपने करना क्या है कि इस बटन को प्रेस करके, जब आप इसको प्रेस करते हैं तब इसके अंदर हम करतूस डाल सकते हैं, ये आप देख लीजिए। दूसरी बात इस शॉटगन में जो है वो ये है कि दीगर सेमी ऑटोमेटिक में कारतूस जो है वो इस चेंबर में नीचे पड़ा होता है, फिर जब हम इसको लोड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नाली में आ जाता है। लेकिन इसमें ये बात है कि इसमें कारतूस नीचे नहीं आता और जब हम इसको काक करते हैं तो ऑटोमेटिक कारतूस नीचे आता है और उसके बाद ऊपर नाली में चला जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप देख लीजिए। अब जब कारतूस ख़त्म हो जाते हैं तो ये बोल्ट रुक जाता है, फिर इसको खोलने के लिए आपने इस बटन को रिलीज़ करना है। अच्छा, दूसरी बात जो इस बंदूक में है वो ये है कि यहाँ पर एक स्टॉपर लगा हुआ है। इस स्टॉपर का फंक्शन ये है कि जब आप बंदूक को लोड करते हैं और सिर्फ एक फायर आप करना चाहते हैं, फिर आपने इसको प्रेस करना है, ये नीचे चला जाता है। अब बंदूक सिर्फ एक फायर करेगा और दूसरा कारतूस चेंबर नहीं करेगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिए। जब हम इसको लोड करते हैं इस तरीके से और ये इस तरह रेडी टू फायर हो जाता है, तब आपने इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद जब ये फायर करता है तो इसका बोल्ट रुक जाता है, यानी दूसरा कारतूस नाली में नहीं आता। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।